यार रास्ते पे चल पड़े हैं, आधा घंटे का और ट्रैक रह गया। Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सारे अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह की शुरुआत क्या, पूरी रात बारिश हुई है बहुत तेज। हमें लग रहा था बाढ़ ना आ जाए। जूते वूते सब भीग गए। भीग गए भाई, जूते बाहर रखे थे गलती से और कपड़े वगैरह भी थोड़े बहुत बाहर रखे थे जो कल नहाए थे, सब भीग गए। सूरज का अभी तक नामो निशान नहीं है कहीं भी और बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। 7 बजने वाले हैं, सही कह रहे हैं। बस अगर थोड़ा मौसम साफ होता है फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम निकलते हैं वापस नीचे। अभी तो यही सीन है, बाकी नींद आज अच्छी आई है। कल लास्ट टाइम जब हमने कैंपिंग करी थी वहाँ पर करील लेक में, आज उठे नहीं उस टाइम कीड़ों की वजह से। आज हमें बिल्कुल एकदम मदहोश होके एकदम सो रहे हैं मस्त एकदम। अब सुबह उठे बारिश की वजह से हो रहा था, जो हो रहा था बारिश कर रहा था। अभी क्या सीन है कि बस अब ब्रेकफास्ट अंदर तैयार हो रहा है अपना, बस ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रश व्रश करने जा रहे हैं, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे। भाई कैसा लगा फ्रेश होके खुली वादियों में? फ्रेश लगा। कह रहा फ्रेश में फ्रेश लगा। ब्रश कहाँ दे रहा? ऐसे कुल्ला करके आ गया। तो भाई अंदर जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है हमारा और बस उम्मीद ब्रश कर रहा है, बाकी हम हो रहे हैं रेडी। जूते उतार दें, कहाँ उतारे भाई? ब्रश कर रहा है, चार लोकल है उसका ना, क्या करना आपका सलगा किसका तो? है मिर्ची का, आम का मिक्स बना हुआ ना, मिक्स है नॉनी। ये दही, ये दही, दही तो बड़ी भारी है जी, बहुत सारी चीजें नहीं हुई। दूध आ रहा है ना, दूध के गिलास नहीं ना फिलहाल हमारे पास खाली, दूध देते हैं आपको। हम यहाँ से खाना होते हुए जाएंगे नॉनी। मतलब कैसे बनता है इसको? दही को ना, दही को मक्खन कैसा लग रहा है? मामा जी ने 5 स्टार कर दिया। 5 स्टार, मिलियन स्टार में बैठो भाई। मिलियन स्टार। मामा जी नहीं होते तो क्या होता? टेंट के अंदर पानी तो नहीं आता, सुबह अच्छा और लग रहा था जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पानी तो टेंट के अंदर, इस टेंट में घुसते नहीं पानी। नहीं जो बड़ा वाला है ना, नहीं टेंट तो सारे डबल होते हैं, पर जो बड़ा वाला होता है टेंट है ये 2 दिन बहुत बढ़िया थे हमारे लिए तो। चलो आप आए, हमें भी थोड़ा बात करने के लिए टाइम मिल गया। तो भाई टेंट को पैक कर रहे हैं, निकलने की तैयारी हो चुकी है। बढ़िया अपना मस्त जगह लगाया था लोकेशन। पानी में गिर भी जाए ना तो चलो बिल्कुल एकदम ठीक जाते हैं। तो वो आपको बताने पड़ेंगे साइज है? साइज नहीं, और फिट हो जाता है सब। अच्छा, इन्हीं जूतों के ऊपर पहन लेते हैं वो? ना वो उसके अंदर जुराबे पहनेंगे, कुछ नहीं उनके ऊपर ही सीधे। वो गर्म भी होते हैं? गर्म भी होते हैं वो बहुत। ठीक है सर, मिलते हैं जल्दी दोबारा। आओ हाँ, नमस्ते। हाँ आएंगे उस टाइम पे, तो पक्का आएंगे। हेलो भाई, फाइनली निकल चुके हैं बैक टू बेसिक्स।
नीचे उतरना है सीधा हमें। पहले भटक गया यही से निकल जा रहा इसके अंदर से। अरे मंदिर के अंदर थोड़ी जा रहा तू, वो तो साइड से निकल सकते हैं यहाँ से, वो लोग भी आ जा रहे हैं यहाँ से तो। अबे यार ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में एक बंदा भटक गया एक बंदा अटक गया। अरे यार मस्त है, बंद है क्या ये रास्ता, खुला है दरवाजा है। हाँ देख खोलेगा, देख दरवाजे की तरफ खुलेगा। उसको देख स्ट्रगल देख उसका, देखा नहीं चलना पड़ रहा। क्यों नहीं, क्यों जाना है? वही बोल रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ हाँ चलो भाई, फाइनली खतरनाक वाली चढ़ाई आ गई। स्नेक स्नेक रूट, वी बैक स्नेक रूट, वी रोलिंग वी स्नेक रूट आ गया। ये पूरा पूरा डाउन हिल है आज, हमें डाउन हिल चलना है। कल अपहिल था, डाउन हिल है ये। चलो भाई इजली आराम आराम से उतरेंगे जल्दी हो सके जिससे हम गिरे ना। ये देखो ऐसे ही है पूरा नीचे तक, उधर दिख रही होगी नीचे एकदम डीप जो वैली है वहाँ तक जाना है हमें, उस वैली तक। तो भाई देखो ये है रास्ता पूरा, संभल के उतरना पड़ेगा इस पे। तो वन साइड हो गया मेरा भाई, अभी तो चल ही रहे हैं भाई, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है रास्ता, बहुत बड़ा है। अब वो लोग भी वो पीछे आ रहे हैं, भैया वो रहे सुमित विशाल, अब पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ बोलो धीरे धीरे उतर ही जाएंगे, पहुँचने वाले हैं बस नीचे वैली में। फाइनली शिव करण लेफ्ट, बस हम उतर गए भाई बिना रुके बिना थके बिना कुछ हुए, और ये उतर गए भाई। इसमें से पानी जाता है, बिना रुके बिना थके। सुमित और रह गया, और हमने एक ही बारी में पूरा ये पैच ख़त्म कर दिया भाई, मज़ा आ गया। थकान हुई बट बिना रुके आए हैं भाई, एक ही बारी में पूरा पैच ख़त्म, पूरा टॉप से लेके नीचे तक बॉटम, वही तो प्राउड फील कर रहे हैं भाई, सो प्राउड। तारा भाई तारा भाई जोगिंदर एक बारी में उतर गए। सामान पकड़ा रखा इतना भारी सा, ये कैंपिंग के असली मजे तो ये हैं। सबसे मैथ में तो भैया ही आ गया। 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद हम वापस अपने रास्ते पे चल पड़े हैं, आधा घंटे का और ट्रैक रह गया है और हम पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। गर्मी लगी इसलिए जैकेट भी उतार थी मैंने, हवा मस्त चल रही है ठंडी ठंडी एकदम, मगर चलने में ना पसीने आ जा रहे हैं। तो हम धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, इनकी जंगलों से ट्रैक का पूरा, तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो भाई भाई मतलब हाफ से भी ज़्यादा पूरा कर चुके हैं, और कल लास्ट जहां हम नहा रहे थे उस जगह तक पहुंच गए मेरे सामने, उधर हम कल नहाए थे, मतलब कि कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे आगे जहां पर बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी ना कल, वहां पर बढ़िया था ये पुल भी, बहुत गहरा है, कम से कम 10 से 15 फीट गहरा है पुल, बस चल रहे हैं अभी हम कि फटाफट कवर कर दें, थोड़ा सा और रह गया। फाइनली भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम जहाँ पर हमने अपना, जब बारिश आई थी तो यहाँ रुके हुए थे हम इसी शेड के नीचे,
और वापस यहाँ तक पहुँच गए, मतलब कि अब ऑलमोस्ट फोन गिर गया था। हाँ ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा ट्रैक ख़त्म, बस ये थोड़ा सा और रह गया, इसको भी अभी कर लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलते हैं, है ना। और हमारे जो गाइड है वो आ रहे हैं अभी, और सुमित भी पीछे है थोड़ा सा। पीक है देखिए, भी पीक से बर्फ दिख रही है ना। हाँ क्या अलग से दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी शायद, दिखा के ट्राई करेंगे। ये रही वो रही कोने में, बादल कितने घने हैं। चलो थोड़ी देर पानी वानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जब तक वो लोग भी आ जाएंगे। भाई फाइनली एंड करते हुए ये ट्रैक और पुल आ गया, थैंक यू भैया। हाँ बाय बाय करते हुए इस खूबसूरत सी वादियों में, वादियों को बाय बाय करते हुए इन खूबसूरत सी वादियों को सलाम। चलो बस ये पुल पार करेंगे और हमारा ट्रैक खत्म। अब चलते हैं मुंह धोएंगे और उसके बाद बस गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे घर की ओर। फाइनली भाई निकल चुके हैं अपने घर के। इतने ट्रैक करने के बाद ड्राइविंग कितना इजी लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। हाँ ऐसा लग रहा है कि बस कैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये हल्के से टच करते ही पहाड़ चढ़ लिए ना बराबर ही। हाँ पहाड़ चढ़ लिए ना उससे ऊंचे ऊंचे भाई, बिल्कुल स्टिफ, मतलब अभी ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं जो नहीं चढ़ा होगा उतना स्टिफ। आपने तो मैसेज कर दिया व्हाट्सएप। नहीं मैसेज नहीं करी मतलब, अभी कर देना ऊपर चल गए। बाय बाय दोस्तों, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बाय बाय दोस्तों, बस देख ठीक है भैया, बाय बाय। भैया ने हमें छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं सीट बेल्ट लगा के घर, होम स्वीट होम जी 56 लक्ष्मी पार्क, संजय का एड्रेस घर के आगे आता है एकदम एड्रेस ली। और भाई 11 बजे चले थे हम वहाँ से, लगातार चलते हुए बस एक जगह मोमोज खाए हैं और बस, और एक वो पिया था हमने, क्या पिया था, गन्ने का जूस पिया है बस, उसके बाद लगातार चल रहे हैं। और बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन इस वजह से बहुत ट्रैफिक था बीच में है। अब फाइनली हम 8:30 बजे यहाँ पहुँचे, 9 बजे करीब ये अम्बाला पहुँचे हैं अभी तक तो बस खाने का वेट कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना खाते हैं और बस घर घर निकलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है भाई देखो, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आपको ये सारे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, बाय बाय।